अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। आज बहुत सारे काम है, वीडियोस भी शूट करनी है आज, इंस्टाग्राम के भी। वकास की तबीयत देखें कैसी है, कल वकास के ये हट जाएंगे। तो चलें सबसे पहले नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। सो भाई, सबसे पहले आटा गूंदने के लिए रखा हुआ है। तो ये जो अब्दुल्ला वालों की मशीन है ना, ये मेरे बड़े इस्तेमाल में आई है बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो अब्दुल्ला वालों को हुआ है। मेरा ब्लॉग देख के इतने लोगों ने ये मशीन खरीदी है। चलो खैर, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ बता देनी चाहिए। सो भाई, अभी हम बनाने लगे हैं नाश्ता। सो भाई, फ्रेंच टोस्ट के लिए गर्म दूध के अंदर चीनी फेंट रही हूँ। एक दफ़ा मैंने ठंडे दूध में फेंट दी थी, वकास गए थे, फिर चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होती ना, अंडा मिक्स होता। तो फिर गर्म दूध में चीनी फेंटी है, वनीला एसेंस डाला है, फिर बाद में दो अंडे डाल के मिक्स कर लिया। ठीक है, तस्वीर और मिश के लिए पराठा बनाना है। यहाँ पे जी मैंने दो पराठे बेले, तस्वीर और मिश के लिए किसी और ने खाना हुआ साथ, वो भी खा लेगा। तो वकास यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट फ्राई कर रहे हैं। मैं ना चाय रख देती हूँ, अंडे उबलने रख देती हूँ, पराठे बनाने बना लेती हूँ, और ना फ्रेंच टोस्ट का ना अमेजा रेडी कर लेती हूँ, फ्राई वकास कर लेते हैं। माशाल्लाह वकास और मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, बट हस्बैंड जो है ना वो केयर करने लग जाते हैं। आप ना हदीस वगैरह भी सुनाया करो, मैं वकास को बहुत हदीस सुनाती हूँ कि बीवी की हेल्प किया करो, तो इससे ही बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं चाहती हूँ मेरे जो बेटे ना वो भी अपनी बीवियों की हेल्प करें। भाई औरत के जिम्मे नहीं है कि घर की ड्यूटी उसके ऊपर फर्ज हो गई है, दोनों लाइफ पार्टनर है ना, मतलब है कि दोनों पे इक्वली फर्ज है। अब जैसे बीवियाँ अगर हस्बैंड की फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं, तो हस्बैंड भी घर के कामों में बीवी की हेल्प कर सकते हैं। सो यहाँ पे पराठे वगैरह रेडी हो गए, हमने फिर बैठ के नाश्ता किया। तस्वीर आप लोगों को नजर नहीं आती होगी डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि वो सो के इतना लेट उठती है मैडम हमारी, हम क्या करें। और अब स्कूल की देखें ना, 21 अगस्त तक छुट्टियाँ उनकी एक्सटेंड हो गई है। मैं कह रही हूँ अब इनका स्कूल चेंज करवाओ भाई, मैं तो तंग आ गई हूँ, बच्चे घर बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, स्कूल ही नहीं खुल रहे। सो वकास कह रहे हैं सुबह ना सिटी स्कूल में पता करता हूँ, अगर वहाँ पर एडमिशन होती है वहाँ करवा देता हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद ना मैंने फिर घर की सफाई की है, टाकियाँ लगाई है, क्योंकि मुझे मेरी अम्मी भी बोल रही थी तुमने बेली कम करनी, तो टाकी लगाया करो बैठ के आगे पीछे कर करके, उससे बेली कम हो जाती है। मेरी मिसकैरेज के बाद ना थोड़ा सा बेली फैट निकल आया था, उसके बाद मैंने स्किन पॉलिश करनी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं करने लगी थी स्किन पॉलिश, वैसे तो मैं स्टोरीज कर रही थी, मैंने कहा चलो स्किन पॉलिश भी कर लेती, क्योंकि मुझे 2-3 मेकअप वीडियो शूट करनी है। और आज मैंने एक मशीन भी मंगवाई हुई है सफाई वाली, इसका रिव्यू जो है मैं मेन चैनल पर डालूंगी। वकास आए हुए हैं स्पेशल मेरी वीडियो में आने के लिए, पॉपुलर वकास। सो ये चार्ज हो जाए तो इसको हम पूरे घर में इससे टाकी लगाएंगे। टाकी आज से तूने लगानी है, समझ में आई बात, मेरी छुट्टी। और मैं भी करने लगी हूँ स्किन पॉलिश। सो स्किन पॉलिश बनाते हैं, इसको ना ऐसे फेंकूंगी नहीं ऊपर के, देखना स्किन पॉलिश रेडी जाएगी। 1 2 3 रेडी। तो ये देखिए जी स्किन पॉलिश रेडी हो गई है, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में डाला है मैंने। ये इनका ब्लोंडर पाउडर है, और ये है जिनका डिवेलपर। साथ हमने ब्रश रख लिया, हाइलोरिक एसिड रख लिया, साथ स्पंज रख लिया रिमूव करने के लिए। कैमरा लगाती हूँ कहीं और फिर आपके सामने लगाती हूँ, और 10-15 मिनट लगाना और रिमूव कर देना। खाने अरमिश मेरे, मैंने ना ये देखा ना, ये मैंने शूट के लिए कपड़े लटकाए हैं इस तरीके करके, अभी अरमिश बाजी ना सारे मेरे कपड़े गंदे गिरेगी। सो वकास आए हैं ऊपर, मैं बताती हूँ आपको, मेरी हेल्प करने नहीं आए एक्चुअली। मैंने नीचे का एसी बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने ऊपर बुलाया कि आके खा लो। नहीं, मैंने नीचे का एसी बंद किया था, ये ऊपर वाले एसी से हवा लेने के लिए आए। यार इनका वजन मेरे से ज्यादा है, इनका 65 kg था, मेरा 58 आया था, बट मैं पता नहीं मोटे। पीछे के बैठे हुए आप, आगे के बैठो। अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, बहुत ज्यादा दी है, करो बहुत ज्यादा। नहीं, ये जो बंदा आगे के बैठ, अब मैं पीछे बैठूंगी ना, देखा अब देखो ऐसे होता है, जब मैं आगे आती हूँ मैं मोटी लगती हूँ। अब मुझे चल छोड़ो यार, मोटे बंदे को पॉलिश लगा के फिर बातें करती हूँ। सो ये देखे ना अपने घंटे से पॉलिश कर रही थी। हाँ, तो मैं समझा कोई खाने के लिए मुझे नहीं नहीं खाना लेना है, देखो मैं कितना कमजोर हो गया, ऑपरेशन करवा के। ऑपरेशन नहीं था, ये ट्रांसप्लांट था। ऑपरेशन नहीं था ना, सर्जरी बोलते हैं इसको। मेरा दिल है कि तुम्हें भी ये फ्रंट वाले हेयर पे करवा ही दूं। यो मेरा माथा ही ऐसा फ्रंट का, मेरी मम्मी पे गया ये यूं करके ही। तुम्हारी मम्मी पे मेरा कहीं चला जाता, मेरे मामू पे ना ही जाता। मामू की वजह से नहीं, आपको टेंशन की वजह से हुआ। अगर मामू की वजह से होता तो अब क्यों नहीं हो रहा आपको? आप तो नहीं, आपके अब्बू को नहीं है, आपके ताया अब्बू को नहीं है, चाचू को भी नहीं। ये मैं बोलते मामू पे जाता, कोई नहीं जाता मामू पे, कोई सारी दुनिया दादू को भी जाती है, आप मामू पे चले गए हो। मैं गया था 2-3 मरतबा गया मामू के घर, मामू के घर जाने में, मामू जाने में बहुत फर्क होता है। या अल्लाह, ये मैं भी लगाऊं यार, मुझे ना कोई है पर ना लगा ले, अभी तो काले रंग अजीब गंदा सा होगा, मुंह धो लूंगा फिर है ना, ये बाल में ना मेरा हेयर बैंड लगा दिया अभी, नहीं लगा मेरा हेयर बैंड कहां गया यार, मेरे बालों पे लग जाएगी। आए मैं लगा दूं? नहीं नहीं मुझे ना लगाओ, बस तरीके से लगाऊंगी, स्पंज हटाऊंगी। अच्छा हाथों में लगा, हल्के से यार। नहीं नहीं ऑयल आ रहा है यार, जो माथे पे दाने बन रहे वो खत्म हो जाएंगे, सच बता रही हूं आपको। तरीके से लगाऊंगी ट्रांसप्लांट को, हाथ उंगली भी नहीं लगाऊंगी, ट्रांसप्लांट से बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर रखा है। देखा है अब बिल्कुल पतला सा लगा लीजिए आपको, वो आ रही है ना ऑयल, वो खत्म हो जाएगा आपका, दाढ़ी बना जाना। ठीक है मामू करो।
अब कल आप जब करवा के आओगे ना सर, जब कल जाना नहीं, कल आपके इतना ही है ना, डॉक्टर ने बुलाया हुआ है ना, कल मेरा मुंडन है, वही समझ लो। सो कल आपको मुंडन लेना, तो कल हम दाढ़ी मुंडवाना, मुंडवानी को शेव शूव करवाना, बहुत बुरी जगह से करवा लूंगा ना, इतना बड़ा मुंह लग रहा है दाढ़ी की जगह। हाँ हम है ही भूत, देखा हम क्यूट वाले भूत है। मैं ना जब अपने बाल लपेट के आई हूँ, क्योंकि ना मैंने अपनी आईब्रोज आपको पता, जब से मैं उमरा करके आई हूँ ना, वकास जब से उमरा, मैंने अपनी आईब्रोज नहीं बनाई ना, क्योंकि जब से मैं उमरा करके आई मैंने अपनी आईब्रो नहीं बनाई ना, जब से मैं उमरा करके आई मैंने अपनी आईब्रो नहीं बनाई ना। मुझे क्या, मैं तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ, और अभी भी देख लो, हर वक्त साथ ही होते हो। इंशाल्लाह ये बताना, ये तुम्हें वो करता तो मुझे नहीं करता, और तुम्हें वो ये कर, अभी हम दोनों को ये वो करेगा, ठीक है। हाँ तुम्हें ये करता है, मुझे वो नहीं करता, तुम्हें वो करता है, मुझे ये नहीं करता, या अल्लाह। ट्रैक ट्रैक नहीं करता, फोकस फोकस नहीं करता, ट्रैक हमें किधर ट्रैक कर रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, जिसने हमें ट्रैक करना है। हाँ वही वही, फोकस नहीं करता। देखो मेरा मुंह कितना गोल, उम्र वाली बात नहीं बतानी ना, वो सरप्राइज, वो अभी कुछ भी नहीं है, उम्र का ये ऐसे ही मार रही है, बकास ठीक होंगे तो हम कहीं जाएंगे। फिलहाल तो अपनी जिंदगी मुश्किल हो गई, अल्लाह पीछे आ गया, फिर कोई सर में ना मार दे, पापा को नहीं मारना, मेरी ना आईब्रो खराब हो जाएंगी यार, मैं ना इसे ब्लीच से नीट कर लेती हूँ आईब्रो, इसे नीचे आओ, नीचे नीचे, अब हाँ ने वकास सर में इतनी जोर से नाखून मारा, ओए होए होए, जख्म हो गया वकास सर में, बैक साइड पे ऑलरेडी जख्म से, तो डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था, बच्चों से आपने, मैंने नहीं, बोला था मुझे रोज का डोज, आज सिर्फ बचूं, बाकी रोज का डोज, आपने बोल दिया आज बचाओ, मारने वाली पीछे से आपको, हां मैं रोज का डोज मिल जाता था तुमसे, मुझे ना आदत है कि मैं इनके ना, हम दोनों शुरू से स्वागत है, ताली मार मार के, और मैंने ना नाश्ता करते करते सर ने ताली मार दी, वो वकास गुस्से से चीखा है मेरे ऊपर, आपकी सोच काश रिकॉर्ड कर पाती, लोग पता नहीं हर जगह से रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमसे नहीं होती इतनी चीजें रिकॉर्ड, कैमरा लगा के रखते, शायद वो रेगुलर व्लॉगिंग करते हैं ना, फिर उनके पास क्या होता है, यही दिखाना होता है कि आज हमारे घर में क्या हो रहा है, आज हमने लड़ाई कैसे की, या आज बेबी डिलीवर हो रहा है, तो क्योंकि वो रोज कर रहे होते हैं ना ये वाली चीज, लेकिन माँ सफदर ने दिखाया था डिलीवरी, उसने ये दिखाया कि मेरा बेबी हो गया, लेकिन उसने गंद नहीं दिखाया। बिग बॉस में वो आ रहा है ना, है ना एल्विश यादव, वो रेगुलर व्लॉग इस तरह के नहीं करता कभी, एल्विश यादव कभी मास सफदर को, मिस बिग बॉस में मास सफदर क्यों आएगा, बिग बॉस इंडिया में होता है, पाकिस्तान में थोड़ी होता है। अच्छा ओके, ये मेरी लग गई है, अब ना मैं इसको गर्दन पे लगाऊंगी, और उसके बाद 15 मिनट बाद हम इसको हटा देंगे, मेरी तो सर ऊपर होना थोड़ा मुश्किल है, पीछे से ऐसा लगता है गोश्त के टुकड़े ऊपर जा रहे जी। वकास तो वैसे बहुत नाजुक है, बहुत ज्यादा नाजुक है, इतना नाजुक उनके दो तीन बार मैसेज आया, सुनो। हाँ अक्षय, किसी ने ना आपके लिए मैसेज किया हुआ व्हाट्सएप पे, और सारी डिटेल्स जो है ना भेजी हुई है, ये लो पकड़ो। मुझे अच्छा मैं 15 मिनट बाद आपको रिमूव करते हुए दिखाती हूँ, मेरे लैशेस पे भी लग गया यार, ले आ चम्मच। कहाँ से कह रहे हैं, मुझे पैसे दो फिर करना चाहिए काम। हाँ ना मुँह दिखाई दो, मैं पैसे आपके अकाउंट में सेंड कर दो। चले यार, कितने दोगे? 5,000। मुझे देख लो इनकी, वाओ यार ये देखना, कड़ी होगी ना, ये देखना डिफरेंस। सर वाले जख्म नहीं, मुंह देखने, अच्छा मारना नहीं है मुझे, देखा ऑयल एकदम से कंट्रोल हो गया, कितना ऑयल आ रहा था, वो पॉलीफेक सर में लगा रहे हैं, वो सारी लग रहा है मुंह पे उतर के आ रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, मैं क्या रास्ते होता हूँ, तकिए पे नीचे ही पड़ा हुआ है, ध्यान से हैं जिस तरह तुम कर रही हो ना, मुझे लग जाएगी आराम से, माथे के ऊपर से बहुत स्लो, आराम से ध्यान से, या दोनों हो जाते, नहीं नहीं धोएंगे तो सारा गीला हो जाएगा। ओके मेरे फॉलिकल्स बचा, अभी तो आपकी पीआरपी होनी है, तो वो दर कैसे हो गए उसकी, खैर तुम बस ये बचा, जख्मों पे ही होनी है, इन्हीं जख्मों पे अभी नहीं करवा रहा मैं भी, जब इनको ग्रोथ हो रही थी तभी डॉक्टर ने कहा करवाना, उसने कहा 3 महीने बाद करवानी है, पहले कोई, ये देखो रिजल्ट्स, देखो रिजल्ट, ये देखना ना करीब दिखाना, हाँ पूरी लाइन बन गई है, टैनिंग की वजह से रिमूव होती है, सभी स्पंज वॉशर के आई जल्ले जा। सो अब मेरी बारी है रिमूव करने की, जो याद तो रहते हैं अभी, तो आपने हाथों पर तो बांध में लगाया, मेरी आंखों में लग रही है, मेरे भी लग रही है, वो कैसे साफ होगा, क्योंकि मेरे मुंह आपके स्पंज से साफ किया है कि आपके उस पर ना लग जाए। हाँ बहुत अच्छा फैसला, सो ये देख लें अच्छे से मेरे सारे बाल, हर चीज कलर, तो मेरे हाथों में लगी हुई है। सो ये देख लें इसके रिजल्ट्स,
स्पंज से साफ करेंगे आपको रिजल्ट अच्छे से नजर आ जाए। और ये देखिए जो मैंने आईब्रो पे किया है ऐसे जाती है आईब्रो, जैसे मैंने बनाई है सब बोलते हैं आप ही आपने आईब्रो बनाई है, आपने आईब्रो बनाई, मैं कहती हूँ यहाँ मैं ब्लीच करती हूँ आईब्रो, अब मैं नहीं बनाती है आईब्रो। हाँ डाल ले उससे बचाना ट्रांसप्लांट से। ये देख अच्छा एफडब्ल्यू ऑर्गेनिक की जो ब्लीच है ना वो बहुत सेफ है, उसको मैंने प्रेगनेंसी में भी यूज़ किया हुआ है, सो कोई ना स्किन पे वो नहीं बनाती बम्स वगैरह, वरना मैं वेला ना प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकती, मुझे बम्स बना देती थी वो। तो ये देखेंगे वाली तरफ से भी साफ हो गई है, आंखों के नीचे नहीं लगाते, लेंस पहन के ब्लीच नहीं करते। मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैंने लेंस नहीं निकाले हैं, मैंने कहा एक क्योंकि ना मैं ईशा के बाद मगरिब के बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ सारी, फिर एक दफ़ा फ्री हो के फिर मैं मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ, मेकअप में क्या लेशेज और लेंस ही लगाती हूँ आपको पता है ये मोस्टली। सो ये देखना अच्छे से सारे बाल कलर होगा, स्किन आप देख लो कितनी साफ होगी, आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा कि ये देखें। अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ, उसके बाद हाइलूरोनिक एसिड सीरम लगाते हैं, सही नीट हो गई स्किन। सो भाई मेरा तो हो गया फेस वॉश, ये किसने मेरा नीचे कर दिया ट्राईपॉड पॉड, मेरा मुश्किल में कोई ट्राईपॉड छेड़ देता है मैं नीचे होना पड़ेगा। और ये मेरी स्किन ज्यादा साफ लग रही है आपसे भी ज्यादा, मैंने हाइलूरोनिक लगाना है मुझे दो आया इसलिए तुम इस तरह कर रही हो नहीं वैसे मेरी ज्यादा साफ हुई हुई क्योंकि मैं स्किन केयर कर रही हूँ ना प्रॉपर। कहा था कि एक दूसरे की तारीफ करेंगे, अब ये तो तुम अपनी खुद कर रही हो फिर मेरी लग रही है नाक मोटा है ये मेरी तारीफ नहीं हो रही है, तारीफ कर रही थी तारीफ तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें जब बोलती थी ना तो करो आगे आओ आओ ठीक है नहीं जब भी नहीं चांद खिला है क्या था कितने दाने निकल आए मुझे इसलिए मैंने किया आपको ब्लीच, अब खत्म हो जाएंगे सारे। ये ले जिस दिन से उनका ट्रांसप्लांट हुआ उस दिन से उन्होंने मुंह नहीं धोया, तो मुझे बताया कि नहीं मुंह धोता मुंह धोता हूं फेस वॉश नहीं लगाया। हां फेस वॉश नहीं लगाया, पानी से धो के ऐसे करके आ जाता है धो लिया मुंह, तो फिर ये अभी क्या करना है मुंह पे लगाते हैं इसके बाद ब्लीच के बाद। अच्छा ये इनका हाइलूरोनिक एसिड सीरम है जो मैंने फेस पे लगाया है, और आप देखिए फोन से सारे बाल नहीं हाइलूरोनिक से दाने नहीं बनते, हाइलूरोनिक मॉइस्चराइजर से। आप देखें कितने अच्छे से ना हर चीज वो हो गई है, ब्लीच हो गई है, बाल वगैरह सब ब्लीच हो गए हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर 25% ऑफ लगा हुआ है, 14 अगस्त की सेल लगी हुई है, 14 अगस्त तक की सेल है सिर्फ। नताशा 10 नताशा 10 है मेरा कोड, 10% उसका डिस्काउंट होगा, 25% 14 अगस्त की सेल का टोटल हो जाएगा 35% डिस्काउंट। सो लिंक लगा दूंगी, आप लोगों ने बाय करनी है स्किन पॉलिश हाइलूरोनिक एसिड सीरम और भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोग जाके बाय कर सकते हो। सो मेरी तो ब्लीच हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए। ये देखें ये और इसके अलावा जो ये मैंने मंगवाई है ना मशीन, और ये जो मशीन मंगवाई है मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई है, इसका व्लॉग जो है ना वो मेन चैनल पर डालूंगी, कल डालूंगी, आप लोग लाजमी देख लेना कि ये कैसे टाके लगाती है कैसे सफाई करती है। और अभी मैं इन तीनों ड्रेसेस पहन के शूटिंग करूंगी, बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं यार आप इनके वो देखें ना, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें मुझे, वहाँ पर जो ड्रेसेस वगैरह आते रहते हैं मैं आपको दिखाते रहती हूँ डिज़ाइन वगैरह, सो वहाँ पर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ब्रांड्स। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ये रोज़मेरी के वाटर का स्प्रे कैसे बनाया है, बोतल कहाँ से ली है वो बता दें, तो मैंने इसकी वीडियो शूट करी, बस मेरे दिन कम्प्लीट होने वाले हैं फिर मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगी इसके। अस्सलाम वालेकुम, इतनी गंदी शक्ल क्यों आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम बहुत दिनों बाद सैलून आए खाना खाने के लिए, और सबसे पहले जो है ना फ्रूट सैलेड दे गए बच्चे, इसी से पेट भर लेंगे, आ करो मेरा एप्पल खिलाओ, एप्पल रोटी खिला रही हूँ So, भाई वकास ने जाना था डॉक्टर के, फिर वकास को मैंने कहा था मेरे साथ साथ ना सेफ्रोन से जो है आज खाना खिला दें, बहुत टाइम हो गया था, फिर हमने ना सेफ्रोन से खाना खाया था, मैंने प्लेटर मंगवाया है, रशियन सैलड मंगवाया था, चाउमीन फ्राइज फिश मंगवाई, फिश ना हम लोग मोस्टली वैसे सेफ्रोन से ही जाके खा लेते हैं, यहाँ पे मरी रोड पे एक जगह जहाँ पे बहुत अच्छी फिश मिलती है वहाँ से खा लेते हैं। मुझे सेफ्रोन का ना ये वाला प्लेटर बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे स्टोरी भी कि कौन सा प्लेटर था सॉरी कौन सा सैलड था, तो ये फ्रूट सैलड था सेफ्रोन का, फिश थी साथ में, साथ में जी फ्राइज थे, तस्वीर और अर्मिश ने मिंट मार्गरीटा मंगवाया था, बच्चे तो आपको पता है फ्राइज ही खाते हैं सिर्फ, मैं साथ साथ तोड़ तोड़ के बोटियाँ फिश वगैरह खिलाती रहती हूँ। अच्छा बच्चों ने वैसे फिश बहुत शौक से खाई है, इनको ना सेफ्रोन की फिश आती है जैसे बनी होती है जैसे नगेट से, वो बड़े शौक से बच्चे खाते हैं, उसके बाद फिशेज देखी है इन्होंने, कितनी प्यारी है ये तो, दिखाओ
का बच्चा है ना। अभी बारिश स्टार्ट होने वाली है, सो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अरमिश अल्लाह हाफिज से बोलो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, करना है। और अरमिश के बाल इतने प्यारे हो गए, सब बताना कमेंट में, सब बोला था अरमिश के बाल बड़े प्यारे लंबे हुए, इसके बाल नहीं कटवाना। लेकिन मैं सोच रहा हूं कटवाना। नहीं 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 कटवाना इसके बाल। अल्लाह हाफिज।